नमस्कार, मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आरक्षण विरोधी महिला जातिवादी पत्रकार तावलीन सिंह को दलित समाज के लोगों ने औकात दिखाई है। ट्विटर पर लगातार जमकर विरोध हो रहा है। उन्होंने जिस तरीके से दलित समाज का अपमान किया है, दलित समाज के लोगों को देखने का उनके जो अंदर जातिवादी नज़रिया है उसको उन्होंने दलित समाज के लोगों ने बदलने की कोशिश की है। लगभग 5000 जोड़े जूते के फोटो शेयर ट्विटर पर किए हैं और दिलीप मंडल ने उनको 5000 जूते बोलकर और 5000 जूते अब तक आ गए ऐसा कुछ बोलकर ट्वीट किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डालेंगे विस्तार से। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, सोशल मीडिया पर लगातार एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, नॉट योर दलित तावलीन, यानी कि नॉट योर दलित तावलीन। ये जो तावलीन सिंह है, एक जातिवादी पत्रकार है, आरक्षण विरोधी पत्रकार है, इन्होंने लिखा है कि गरीब दलित जो शोषित हैं, जो दलित हैं, क्योंकि वो फटियाल दलित की छवि स्थिर है, उनके माइंड में एक फटियाल दलित की छवि स्थिर है, वे समाज के बदलाव को देख नहीं पा रही हैं। जो समाज में बदलाव हो रहा है वो देख नहीं पा रही हैं। वो सोच रही हैं कि दलित आज भी फटे जूते पहनता है, कपड़े फटे पहनता है, उनके अंदर ऐसी कुछ मानसिकता स्थिर है और इसको बदलने के लिए लगातार दलित समाज के लोग ट्विटर पर फोटो शेयर कर रहे हैं कि नॉट योर दलित तावलीन, यानी कि आपके अंदर जो दिमाग में दलित है, दलित की जो रहन सहन है, उस टाइप के दलित अब नहीं रहे हैं। दलित लगातार बदल रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अपनी मेहनत के बलबूते पर चमक और ब्रांडेड जूते ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है और आपके अंदर जो जातिवादी मानसिकता है उसको आप बदलिए। इस तरीके से तमाम लोग बातें लिख रहे हैं। फिलहाल नॉट योर दलित तावलीन हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। आरक्षण विरोधी कैसे वो भी मैं आपको बता दूं। लगभग 11 दिसंबर को तावलीन सिंह लिखती हैं, आरक्षण खत्म करने का समय आ गया। इस तरीके के तमाम आर्टिकल उन्होंने गरीब दलित शोषित वंचितों के विरोध में लिखे हुए हैं। एक और आर्टिकल वो लिखती हैं 17 दिसंबर को, तावलीन सिंह लिखती हैं जाति जनगणना जातिवाद, यानी कि जाति जनगणना होगी तभी गरीब दलित शोषित वंचितों को उनका हक अधिकार मिलवाएगा, पर तावलीन कहती हैं कि जाति जनगणना जातिवाद है और आरक्षण समाप्त करने का समय आ गया। इस तरीके के बेहुदगे वाले जो आर्टिकल हैं वो लिखती हैं, तो इसका विरोध काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर हो रहा है। और दिलीप मंडल लिखते हैं, उनका जो पोस्ट है उसको स्क्रीनशॉट लेकर लिखते हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया था, दिस इज़ फोटो एसोसिएशन एट द हैबिट सेंटर, यानी कि तमाम इनकी जो बातें थी उनका ये कहना है कि दलित इसी हालत में मुझे पसंद है जिस फोटो में दर्शाया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो फोटो। और वहीं दिलीप मंडल इसका जवाब देते हुए एक जंग छिड़ देते हैं। वो लिखते हैं, इस हैशटैग के साथ तावलीन को अपना सबसे सुंदर जूता और जूते पहने हुए अपनी तस्वीर दिखाएं, नॉट योर दलित तावलीन। तो दलित तावलीन की नज़र में है, अब वो वैसा दलित नहीं है क्योंकि उन्होंने एक बेग का काफ़ी ज़्यादा जो फोटो शेयर, एक मासूम बच्ची का फोटो शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसे दलित पसंद हैं, पर उनको क्या पता कि दलित आज कितनी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके मन में एक फटियाल दलित की छवि स्थिर हो गई है, वे समाज के बदलाव को देख नहीं पा रही हैं, ये दिलीप मंडल कहते हैं। साथ ही साथ दिलीप मंडल ने जैसे ही ये हैशटैग दिया समाज के लोगों को और इसी पर हैशटैग करते हुए ट्वीट करते हुए निर्देश सिंह लिखती हैं, दलित जूता सूट अपने पैसे से पहनता है, रोटी खरीद कर खाता है, घोड़ी पर अपने पैसे देकर चढ़ता है, खानदानी अनपढ़ता से खुद जूझता है, पिछली पीढ़ियों में मिले गरीबी के गड्ढे खुद भरता है, लेकिन आफत तुम्हें आ जाती है, कलेजा तुम्हारा छिलता है, यानी कि इस तरीके की बातें उनको समझाई जा रही हैं। साथ ही कुछ अम्बेडकरवादी कहते हैं, ये मेरी माँ है, जलवा है इनका, यदि इन्होंने अपना सैंडल भी तावलीन सिंह को दिखा दिया तो तावलीन सिंह को चक्कर खाकर गिर जाएंगी, सैंडल भी US से मंगवाती हैं, आखिर मेरी माँ जो ठहरी, मैं भी जो हाउस ऑफ पड़ोती के कुर्ता डालता हूँ, सब इनकी देन है। इस तरीके के तावलीन सिंह को जवाब दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाबा साहब की विशाल मूर्ति, एक जूता दिखाया जा रहा है तावलीन सिंह को और उनको दिखाया जा रहा है कि आज जो आपके दिमाग में गंदगी इस तरह उस टाइप का आज दलित नहीं है। दिलीप मंडल ने ये फोटो शेयर की है और टाइम्स, उन्होंने लिखा है कि टाइम टू एंड रिजर्वेशन, यानी कि उन्होंने का कहना है कि अब रिजर्वेशन समाप्त करने का समय आ गया, पर उन्होंने अभी ये आर्टिकल नहीं लिखा कि जातिवाद ख़त्म करने का समय आ गया है। सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग ट्रेंड है, दिलीप मंडल लगातार जंग छेड़े हुए हैं
और उन्होंने एक और ट्वीट किया लगभग 4 घंटे पहले। उन्होंने लिखा है, आदरणीय तावलीन सिंह को लगभग 5,000 जोड़े शानदार जूते भेजे जा चुके हैं। उम्मीद है कि उनका नज़रिया बदलेगा कि सभी दलित फटियाल नहीं हैं, फटियाल हैं। यानी कि उनकी नज़र में सभी दलित ऐसे हैं फटियाल, वैसे ही कपड़े पहने हुए, पर उनका नज़रिया बदलने के लिए जूते भेजे जा रहे हैं, ब्रांडेड फ़ोटो भेजे जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो किस तरीके से अपने समाज के लोग उनको दिखा रहे हैं कि आज हम अपने बलबूते पर कितना तरक्की कर गए हैं। दिलीप मंडल ने फोटो शेयर की है और जिसमें रेंस रॉयल्स रॉयल एक कार है उस पर चमार लिखा हुआ है और इसमें उन्होंने लिखा है, ये हमारे अमेरिका वाले गंगा अंकल हैं। धारवी की झोंपड़पट्टी से मर्सिडीज और रॉयल्स रॉयस का सफ़र एक पीढ़ी में पूरा कर लिया है। गंगा अंकल को सब प्रेम जय भीम। इस तरीके से तमाम फोटो वायरल हो रहे हैं, जूते भी वायरल हो रहे हैं। तो ये जलवा उनको दिखाया जा रहा है जिनके माइंड में गंदगी बैठी हुई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। फिलहाल मैं एक लाइन में आपको समझा दूं, ये जंग क्यों छिड़ी, क्योंकि दलित जो तावलीन सिंह ने दलितों को एक बेकार टाइप के गिरे उनकी नज़र से देखा था कि दलित अभी भी वैसे ही फटियाल जूता पहनता है, फटे कपड़े पहनता है, तो उनको जवाब देने के लिए ये जंग छिड़ी। और उन्होंने कई बार पहले भी रिजर्वेशन का भी विरोध किया है, जाति जनगणना का विरोध किया है, तो इस बार दलित समाज के लोगों ने निशाने पर ले लिया। फिलहाल आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। धन्यवाद। जय भीम।